दीपक बोलता नहीं, उसकी रोशनी ही उसका परिचय देता है। इसी तरह आप भी कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, उद्गर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। ख्वाहिश नहीं कि हर कोई तारीफ करे, माँ बाप को हम पे नाज हो, बस इतनी मेहनत करनी है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है अपनों के प्यार और अपनों के साथ से। अगर केवल दौलत से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप भी खुद को जीवित मानते हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। मैं अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। अन कुचलने का हुनर भी सीख लेना साहब। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। खुश वो है जो खुद को केयर करते हैं, परेशान वो है जो दूसरों को केयर करते हैं। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं अच्छा हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ ये अहंकार है। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी ज़िंदगी में सबसे खास जगह देता है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। आपकी खुशियाँ देखकर तो कितने लोग प्यार जताएंगे, पर ज़िंदगी में उसे जगह दो जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़े। अक्सर ज़्यादा बहस रिश्तों को ख़राब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वो इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफ़ी होता है। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। एहसान भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर लोग चार दिन ना मिले तो लोग नाम तक भूल जाते हैं। किसी के कंधे का भार यहाँ कोई नहीं उठाता है, पर जहाँ फ़ायदा उठाना हो तो लोग पीछे नहीं हटते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वह तुम्हें लूट लेंगे। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में ज़िंदगी की हर खुशी तबाह की है। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे, समझ नहीं आता कि मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुका के चलती है। भागते बचपन में भी थे, भागते आज भी है, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। माँ बाप के दवाई की पर्ची अक्सर गुम हो जाती है, पर वसीयत के कागज बहुत संभाल कर रखते हैं। आजकल साफ दिल के इंसान की कदर नहीं की जाती, बल्कि उसको बेवकूफ़ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर ज़रूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने, जहाँ गलती नहीं थी मेरी वहाँ भी हाथ जोड़े मैंने। ज़िंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहाँ धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ज़िंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ हंसने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। इंसान आसमान की तरफ तब देखता है जब उसका धरती पर कुछ खो जाता है। जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे, हम जिंदगी भर उन्हें अपना प्यार देते रहे। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। जरा सी बात होती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। पता नहीं लोगों से सच्ची मोहब्बत संभाली क्यों नहीं जाती।